गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली कनवर कुरैशी आपका स्वागत करता हूं आज मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर अली अनवर कुरैशी हेल्थ कंसल्टेंट। आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि है हमारे जठर से रिलेटेड हुए। जठर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिडिटी, पित्त, अपचन, अजीर्ण, आप, जॉइंट पेन्स, ट्रैवलर्स डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, जॉइंट पेन, इम्यूनिटी, इन सारे चीज़ों से आज जो है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये सब चीज़ें क्यों होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है, क्यों शुरू होता है और किस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें आज देखा जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम आज फेस हो रही है कि हम थोड़ा भी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, थोड़ा भी ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, या ज़्यादा मसालेदार खा लेते हैं, या ज़्यादा हार्ड कुछ खा लेते हैं, तो हमें उसका प्रॉब्लम होना शुरू होता है कि दूसरे दिन जो है हम जो मल विसर्जन करते हैं, हम जो स्टूल पास करते हैं, या हम जो त्रटी करते हैं, संडास करते हैं, वो साफ़ नहीं होती, उसके वो होते समय में तकलीफ़ होती है। क्यों होती है ये सब? क्या हमारा जठर जो है इन सब चीज़ों के अब आदि नहीं है, या फिर हमारे जठर इतने कमज़ोर बन चुके हैं कि हमें अब प्रॉब्लम्स होने चालू हैं? हर दिन हमें एक एंटासिड की गोली खाना पड़ता है। एंटासिड की गोली, आज तो एंटासिड, एसिडिटी की गोली। कोई भी मेडिकल पे कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति जाता है, हमें एसिडिटी की गोली दीजिए, तो मेडिकल वाला भी उसे रेंटैक देता है, एजिटैक देता है, पेंटाप्रजल देता है, डॉम्पेराडॉन देता है, रैबिप्रजल देता है, अलग अलग प्रकार के जो है मेडिसिन, ये आज मेडिकल काउंटर पे भी जो है अलग लोग आसानी से जाकर ले लेते हैं और रोज़ रोज़ इसको खा रहे हैं, चल रहा है। क्यों, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, आपकी एसिडिटी, आपका पित्त क्यों कम नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बेसिक चीज़ों के बारे में आज मालूमात देंगे। देखिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे लोगों को जो है जानकारी देने में अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा एक जो क्लिनिक है लातूर महाराष्ट्र में, सीरत क्लिनिक नाम का, वहाँ पर है, और मैं यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करता हूँ। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं मैं उनको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर समझो मेरे पास 30-40 पेशेंट आ रहे हैं तो उन तक ही मैं सीमित हूँ। लेकिन मेरा एजेंडा ये है दोस्तों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने पास जो मालूमात है थोड़ी वो मालूमात पहुँचा सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकूँ, और लोगों को बीमारियों से दूर रखूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या लाइक नहीं किया है, बेल आइकॉन को नहीं दबाया है, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबाइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। मेरा फेसबुक अकाउंट है अली कुरैशी नाम से, दूसरा एक अकाउंट है फेसबुक पे डॉक्टर अली अनवर कुरैशी नाम से, उस दोनों अकाउंट को आप फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब पे तो आप बने रहिए, हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं 9890428326। इस पर आप जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन, प्रॉब्लम बताकर सलूशन ले सकते हो। आज का जो टॉपिक है एसिडिटी, पित्त, अपचन, कंस्टिपेशन, पाइल्स, IBS, ट्रैवलर्स डायरिया, जॉइंट पेन, कॉलरा, ये क्यों होता है? अगर आप जो है आपका जठर थोड़ा सा भी वीक है और आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो उसको पचा नहीं सकता, तो वो आप खाते हो और उसका पचन नहीं होता, फिर उसका अजीर्ण होता है जो वहाँ पर वैसे ही रहता है, और बाद में वो जो खाया हुआ है वहाँ पर पेट में बना रहता है, अजीर्ण होता है, फिर उसका आम में तब्दीली होती है, आम जिसको हम विष या जहर भी बोल सकते हैं, आम में तब्दीली होती है बाद में। यही आम निर्मित होने की वजह से पेशेंट में, बहुत से जो पेशेंट रहते हैं उनमें जो है आम निर्मित की वजह से कॉन्स्टिपेशन आता है। कॉन्स्टिपेशन जो है जिसको हम बोलते हैं कि संडास साफ नहीं होना या संडास घट होना। कॉन्स्टिपेशन एक बार चालू हो गया तो पाइल्स होता है, पाइल्स एक बार चालू हुआ तो फिर बाद में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। इसमें और एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसको IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम,
इसमें कभी उल्टी होती है, कभी संडास होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, अलग अलग प्रकार के बार बार संडास होते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया है, उस पर अलग अलग बार 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 सिर्फ संडास होते हैं। कुछ संडास में शेम भी निकलती है, इसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। कॉलरा भी है एक प्रकार का डिसीज़। जॉइंट पेन जो है, ये जी आई ट्रैक से में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस व्यक्ति को जॉइंट पेन भी होता है। तो ये सब क्यों होता है? खाने का तो प्रॉब्लम ठीक है, खाने से तो अगर तुम ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा हार्ड खाओगे तो ये प्रॉब्लम आना संभाविक है, लेकिन इसका जो सबसे मेन कारण है दोस्तों, हमारे शरीर में दो प्रकार के जरासीम या बैक्टीरिया होते हैं। एक होते गुड बैक्टीरिया और एक होते बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में लगभग बहुत ज़्यादा है, कम से कम 200 से 400 से 600 और उसके ऊपर भी हो सकते हैं। अगर समझो इस प्रकार के गुड बैक्टीरिया, अच्छे जरासीम हम जिसको बोलेंगे, वो अगर हमारे शरीर में से, हमारे अतड़ी में से कम हो जाए, तो हमें ये अभी जितने भी प्रॉब्लम बताया वो सब प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। गुड बैक्टीरिया कैसे रहते हैं अब आपको बताऊंगा मैं। अगर समझो आप दिन में 20 लीटर दही पी रहे हो तो उसको बोलते हैं 12 बिलियन गुड बैक्टीरिया, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। वो 20 लीटर दही तो आप रोज़ रोज़ नहीं पी सकते ना। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है, हमें मार्केट में बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं जिसको हम प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें हमारे हमारे जो है जीआई ट्रैक्ट में अगर प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक कम हो गए, जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम्स शुरू होती है। तो हमें मेनली इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जीआई ट्रैक्ट और जॉइंट पेन को दूर करने के लिए, हमें प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक्स लेना चाहिए। तो हमारे पास, हमारे जो हम कंपनी से एक एसोसिएटेड है प्रोयंग, उसके पास एक कैप्सूल है जिसको नाम है कैप्सूल प्रो बायो एक्टिव। उसका एक कैप्सूल दोस्तों है 12 बिलियंस, इतना उसमें जो है प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं और कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के हर्बल मेडिसिंस भी उसमें एडेड हैं। तो अगर आप ये प्रोबायोटिक 2 महीने खा लो तो आपको जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं, कंस्टिपेशन है, पाइल्स है, IBS है, ट्रैवल्स डायरिया है, एसिडिटी है, पित्त है, पचन है, या फिर जॉइंट पेन है, या इम्यूनिटी है, इन सब से रिलैक्स होगा। कब? आप जब हमारा ये कैप्सूल प्रोबायोटिक, मैं आपको एक बता रहा हूँ जो प्रोयंग कंपनी का है, अगर ये आप कैप्सूल ले लेंगे तो आप दो से तीन महीने ये कैप्सूल खा लो तो आपको आपके शरीर में के जो गुड बैक्टीरिया कम हुए हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपको कंस्टिपेशन कम होगा, पाइल्स कम होगा, पचन कम होगा, पित्त कम होगा, एसिडिटी कम होगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये कम होगी। दोस्तों इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है अस्थमा। तो तुरंत इस वीडियो के बाद उस वीडियो को मैं बनाऊंगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर।